और पूरे देश में इस वक्त राम नाम की गूंज सुनाई दे रही है। पाकिस्तान से आई सीमा हैदर पर भी राम रंग चढ़ा हुआ है। ग्रेटर नोएडा में अपने घर में उसने राम गीत और हनुमान चालीसा का पाठ किया। उसने अयोध्या जाने की भी इच्छा जाहिर की है। भारत माता की जय। और मैं बहुत 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 खुश हूँ, बहुत ही ज्यादा खुश हूँ कि मेरे भाई और ये भाई भी आए हमारे पास आए हैं। पूरा देश प्रभु श्री राम के रंग में रंगा हुआ है। वहीं पाकिस्तान से आई सीमा हैदर भी राम का नाम जप रही है। वो हमेशा खुद को सनातन धर्म से जुड़ा हुआ दिखाती है। घर पर भगवान राम के भजन गाए जा रहे हैं, साथ ही हनुमान चालीसा का पाठ भी चल रहा है। सीमा हैदर पाकिस्तान से आने के बाद ग्रेटर नोएडा में सचिन मीणा के परिवार के साथ रह रही है। ये ताज़ा तस्वीरें भी ग्रेटर नोएडा से ही आई हैं। 22 जनवरी को अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा है, जिससे पूरे देश में एक उत्सव जैसा माहौल बना है। ग्रेटर नोएडा में भी लोग राम भक्ति में लीन नजर आ रहे हैं। सीमा ने राम भजन भी गुनगुनाया। इस मौके पर सीमा के साथ सचिन भी मौजूद रहे। उनके वकील एपी सिंह भी पहुंचे हुए थे। सभी ने राम के गीत गाए। सीमा हैदर दावा करती आई है कि उसकी सनातन में गहरी आस्था है और इसी वजह से वो पाकिस्तान छोड़कर भारत आई है। बहुत ही खुशी है मुझे और मैं भाग्यशाली हूँ कि मैं सनातन धर्म में हूँ। हिंदू धर्म में बहुत चाहत थी कृष्ण भगवान को, मैं बहुत मानती हूँ। तो ये मेरा सपना था और इतना प्यार, इतना इतनी इज्जत, इतना सम्मान मैंने जो यहाँ देखा है पहले मैंने कभी नहीं देखा। मैं बना रही हूँ, मेरे फोन से बना। बहुत बहुत धन्यवाद कहूँगी अपना सनातन सनातन भाइयों का। उन्होंने मुझे बहुत इज्जत, बहुत सम्मान, बहुत प्यार दिया और भारत में मुझे बहुत प्यार मिला है। मुझे पता पड़ी कि औरत की इज्जत क्या है, औरत का सम्मान क्या है। तो मैं बहुत 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 भाग्यशाली हूँ। इसी के साथ सीमा ने अयोध्या जाने की अपनी इच्छा भी जताई। 22 जनवरी के बड़े कार्यक्रम को लेकर उसने अपनी खुशी का इजहार भी किया। मैंने चाहा बहुत जल्द हम भी राम मंदिर जाएंगे, मैं भी अपनी आंखों से राम मंदिर के दर्शन करूंगी। वो दिन बहुत जल्द आएगा। मेरे भगवान से प्रार्थना है कि मुझे बुलाए वो और मैं भी राम मंदिर देखूं, अपने भाई के साथ, अपने परिवार के साथ मैं भी जाऊँ। ये भी मेरी इच्छा है, मेरा सपना है और भगवान बहुत जल्द मुझे बुलाएंगे। मन की बात भगवान जानते हैं और मैं दिन रात भगवान जी से ये प्रार्थना करती हूँ कि भगवान मुझे, मेरे बच्चों को अपने दर्शन कराए। सीमा हैदर अवैध तरीके से पिछले साल अपने चार बच्चों के साथ भारत आई है। तभी से वो सनातन परंपरा में ढलते हुए खुद को दिखा रही है। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज 18। राजधानी रायपुर के करीब 1,00,000 घरों को अगले 2 दिनों तक पानी की किल्लत का सामना करना पड़ेगा। आज और कल रायपुर के करीब आधा दर्जन इलाकों में पानी सप्लाई नहीं हो पाएगी। तो मेन राइजिंग पाइपलाइन में खराबी आ चुकी है और इसी के चलते 2 दिनों तक आपको पानी की समस्या से जूझना पड़ सकता है। जिन इलाकों में पानी की सप्लाई प्रभावित होने वाली है उसमें अमलीडीह, अवंती विहार, मंडी, मेगा सट्टू, दलदल सिवनी, कचना और आमा सिवनी जैसे इलाके शामिल हैं। तो पानी की किल्लत से आपको परेशान रहना पड़ेगा। इलाकों में आज शाम और कल सुबह पानी सप्लाई जो है बाधित रहेगी। राजधानी रायपुर के 14 वार्डों में पानी जो है नहीं पहुंच पाएगा और 9 टंकियों से पानी सप्लाई पूरी तरह से बाधित रहेगी, जिससे 1,00,000 से अधिक परिवार जो है वो पानी परिवारों के पास जो है पानी नहीं पहुंच पाएगा। हमारे साथ यहाँ पर कुछ लोग भी हैं, हम उनसे ही बात करते हैं, उनसे ही जान लेते हैं। भैया, आज शाम और कल पानी सप्लाई जो है वो बाधित रहेगी, कितनी परेशानियाँ आप लोगों को होंगी? अब परेशानी क्या है, जो निगम का परेशानी है वो तो सफाई को देखते हुए भी ये समझ की जरूरी है, टंकी का सफाई होना जरूरी है ना। तो अगर मान लिया जाए इस बीच में अगर सफाई की नहीं हो पाएगा तो नाना प्रकार की बीमारियाँ होती रहेंगी। इससे अच्छा सफाई होना जरूरी है।
तो रह गया सवाल 24 घंटा, अगर 24 घंटा ही तो बंद रहेंगे ना, 24 घंटे में पानी अपना इधर उधर से कहीं सड़क कहीं करके अपना व्यवस्था करेंगे, जैसे हमारे मोहल्ले में एक। और इसी के साथ इस बुलेटिन में इतना ही, नमस्कार।